मल्टी लेयर का, तो साथ ही साथ आज हम लोग भी किए, जो कि सेक्टर जो प्रभारी है हमारे राजेंद्र जी है ना, और साथ ही साथ किसान भाई हैं जो कि मल्टी लेयर का जो काम है उन्होंने किया, और इनसे पूछते हैं कि इससे पहले ये किए कि नहीं, आप बताएंगे। पहली बार ये काम कर रहे हैं। हाँ 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 और क्या लग रहा है कि इस जगह से आप कितने तरीके के जो फसल हैं वो आप उगा सकते हैं? चलिए ठीक है, बाकी और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस टाइम पे यहाँ पे कुछ फसलें लगी हुई हैं, साइड पे गोभी लगा हुआ है, टमाटर और आलू, और शायद कुछ मूलियाँ भी लगी हुई हैं है ना, और साथ में चना भी लगा हुआ है। और इस जो कार्य आप लोगों को दिख रहा है ये मल्टी लेयर का, एक्चुअली में क्या है कि हम इससे पहले ट्रेनिंग में गए हुए थे, वही ट्रेनिंग आज हम लोग किसानों को दे रहे हैं, और उस ट्रेनिंग के जगह के बारे में बताना चाहूँगा। सागर जिनका जो प्रवक्ता है मिस्टर आकाश चौरसिया जी, नियमित में रह करके हम लोगों ने सीखा और यहाँ पे किसानों तक पहुँचा रहे हैं। बाकी आप लोगों को ये जो कार्य है उचित लगा हो तो आप लोग भी कर सकते हैं और हमसे संपर्क करें, अगर हमसे संपर्क नहीं कर सकते तो इनसे ज़रूर संपर्क करें, आप लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे है ना। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, वैसे काफ़ी दिन मौसम ख़राब था, फिलहाल आज धूप बहुत तेज़ है ना, और मल्टीलेयर की और भी जानकारी है तो आप लोगों से रूबरू कराएंगे राजेंद्र जी से। चलिए ठीक है, आप भी मुलाकात कीजिए। सभी को नमस्कार, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा
अपने निवास ब्लॉक में जो वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा मल्टीलेयर खेती को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें हमारे सभी संस्था के जो सहयोगियों ने उचित मार्गदर्शन देकर के हमें इस जगह पर, और हमारे साथी जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि मल्टीलेयर के लिए ट्रेनिंग में गए सागर, वहाँ पर जो आकाश चौरसिया जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, जो जानकारी दी मल्टीलेयर के बारे में, उन्होंने विधिवत इसको समझा परखा और ज़्यादा नहीं, इन्होंने इतना बारीकी से सीखा है कि इन्होंने इस मल्टीलेयर को तैयार करने के लगभग ज़्यादा 2 से 2.5-3 घंटे मिनिमम इन्होंने लिया, और आप देख लीजिए पूरा इन्होंने नेट कवर करके पूरी जाली सब ज़्यादा नहीं 3-4 लोगों के द्वारा और निर्माण करा दिया। इसमें सबसे अच्छा ये था कि मल्टीलेयर में एक ही स्थान पर कम से कम 8 से 10 प्रकार की सब्जियाँ हम उगा सकते हैं और अपने जो जो जीवन यापन है उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोले वाले, कंद वाले, फल वाले, वो सभी प्रकार की सब्जियाँ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में ऐसे मार्गदर्शन के साथ साथ लोगों के जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बिल्ड कर करके, जैसे प्रदीप भाई को उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुभव भी हो गया इस बारे में और कराया, समझाया, सीखा, और हम लोगों को अच्छा लगा, और ऐसे ही करते रहेंगे और गाँव में भी ऐसे इसका प्रचार प्रसार करेंगे और बाहर भी करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बाकी हमें भी बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों की बात सुन करके। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और इस कार्य को आगे बढ़ावा दें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी ये कार्य को और भी जय करना है तो काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग वहाँ भी चलते हैं और वहाँ का भी कुछ दिखाने का कोशिश करेंगे। बाकी